सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह और आज स्पेशल में कहानी एक ऐसे शहर की जिसने कई ऐसे अमर शहीदों को जन्म दिया जिन्होंने हंसते हंसते देश पर अपने प्राणों की आहुति दे डाली। और आज की शुरुआत इसी एक शहर की वीरगाथा के साथ। जुबाने हाल से अशफाक की तुर्बत ये कहती, मुहब्बते वतन ने क्यों हमें दिल से भुलाया है। बहुत अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है, शहीद अशफाक की तुर्बत है और धूप का साया है। जी हाँ, ये चंद लाइनें उन अमर शहीदों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती हैं जिन्होंने हंसते हंसते भारत में शहीदों की तुर्बत की खुशबू भर दी। उन अमर शहीदों ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शाहजहांपुर की धरती पर जन्म लेकर पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की अलख जगाई और देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर सपूत, ऐसे अमर शहीदों को देश आज भी नमन करता है। अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, भारत माता के ऐसे लाल जिन्होंने शाहजहांपुर की धरती पर जन्म लिया। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे शहीदों की धरती के नाम से भी जाना जाता है, शहीदगढ़ या शहीद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, काकोरी कांड को अंजाम देने वाले वीर सपूतों का लहू आज भी इस धरती में समाहित है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए काकोरी कांड को अंजाम देने वाले शहीदों के चलते शाहजहांपुर का नाम आज देश भर में शिखर पर है। दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। इन लाइनों में समाया है उत्तर प्रदेश के उस जिले का इतिहास जिन्होंने अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह जैसे अमर सपूतों को जन्म दिया। ये नाम आज़ादी के वो दीवाने थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इस जिले का नाम है शाहजहांपुर, जो शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अशफाक उल्ला खान एक ऐसे अमर शहीद थे जिन्होंने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। उनकी राम प्रसाद बिस्मिल से दोस्ती की आज भी इस शहीद नगरी में कस्में खाई जाती हैं। अमर शहीद अशफाक उल्ला खान का जन्म मोहल्ला एमन जई जलाल नगर में 22 अक्टूबर 1900 में हुआ था। अशफाक उल्ला खान से जुड़ी तमाम यादें आज भी उनके परिवार ने धरोहर के रूप में सहेजी हुई हैं। जेल में उनके हाथों से लिखी गई एक डायरी और अपनी माँ को लिखी गई कई चिट्ठियाँ इस बात को भी बयां करती हैं कि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजादी ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे, चरखे से जमी को हम तो चरख गुंजा देंगे। अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है। आज उन अमर शहीदों के बलिदान पर उनका परिवार खुद पर फक्र महसूस करता है। उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिन्हें आज पूरा मुल्क सलाम करता है। हम इस समय मौजूद हैं भारत के महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान जी के पैतृक मकान पे और हमारे साथ मौजूद हैं उनके परपोते अशफाक उल्ला खान जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज़ादी के बाद से क्या फ़र्क वो देखते हैं अब तक और क्या तब्दीलियाँ आई हैं और सरकार की तरफ से उनको क्या सहायता मिली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका निर्भर इंडिया चैनल में। सर ये बताइए कि महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है भारत की आज़ादी के लिए, तब से लेके अब तक देश आज़ाद हुए क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं देश में, क्या आप देख विकास देखते हैं? हिंदुस्तान के अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी बलिदान इस मुल्क पे दिया है और जो चाहते थे आज़ादी और उस हौसले के साथ चाहते थे कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता रहे और यहाँ गरीब किसान मजदूर खुशहाल रहे और बराबरी का हो। अशफाक उल्ला खान जिन्होंने आप जहाँ आपको उनके जहाँ जन्म हुआ वहाँ आप बैठे हैं, ये अशफाक उल्ला खान की जन्मस्थली भी है और देश के अनगिनत किनारकारियों ने जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर आ पाए, बहुत लोगों के नहीं आ पाए, तो बहरहाल इन लोगों ने कुर्बानी इस देश के हौसले के लिए दी थी कि हमारा मुल्क आज़ाद होगा। अशफाक उल्ला खान ने एक जगह लिखा है कि मैं मुल्क की वो आज़ादी चाहता हूँ जिसमें बराबरी हो,
एक राजा के सामने, एक नवाब के सामने, एक गरीब किसान, मजदूर, एक दलित कुर्सी पे बैठ के बात कर सके, बराबरी की बात की थी। तो बहरहाल वो मुल्क का ऐसा चाहते थे कि आज़ादी तो मिले हमें, लेकिन वो आज़ादी हमारी तब मुकम्मल होगी जब हमारे देश का गरीब किसान खुशहाल हो। घर के पास में ही अशफाक उल्ला खान की मजार बनी हुई है, जहां हर राष्ट्रीय त्योहार पर उनकी शहादत के लिए उन्हें सलामी दी जाती है। वहीं शहर के बीचों बीच अशफाक उल्ला खान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा है, जो हर वक्त देश के लिए उनकी कुर्बानी को याद दिलाती है। यहाँ के एवरेज इंटर कॉलेज में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। आज़ादी के लिए दोनों को काकोरी कांड में 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। आज शाहजहांपुर को इन्हीं शहीदों के नाम से एक पहचान मिली है। यही वजह है कि शहीदों की नगरी के लोग ऐसे अमर शहीदों पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं। कस ली है कमर, अब तो कुछ करके ही दिखाएंगे, आजादी ही लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। जी, ये विद्यालय जो है इसका नाम एवरेज इंटर कॉलेज है शाहजहांपुर में जी, और सन 1867 में इसकी स्थापना हुई जी सर, और बहुत ऐतिहासिक विद्यालय है। इसमें अमर शहीदों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की, जिसमें श्री राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान दोनों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की, जिनके अभिलेख आज भी हमारे कॉलेज में मौजूद हैं। अटेंडेंस रजिस्टर्स के रूप में उनके नाम दर्ज हैं जी। और 8वीं क्लास तक उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की। जो आखिरी रजिस्टर हमारे पास है सन 1919, जिसमें उनका नाम दर्ज है। देश प्रेम का जो जज्बा इन शहीदों में था, और जिस जज्बे ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और हमें आज़ादी दिलवाई, आओ कसम खाएं कि हम उन शहीदों की सरजमी को कभी अखंडित नहीं होने देंगे और सांप्रदायिक ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बताया जाता है, पुरानी लोगों की कहना है कि जब वो पढ़ते थे, जब उन्हें पुलिस पकड़ने आई थी, तो वो ये पाइप है, उस पाइप के थ्रू नीचे उतर के आ गए थे और यहाँ से निकल के नाले की तरफ से वो बाहर को भाग गए थे। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें प्रमाणित नहीं हो पाई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ये स्कूल पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में है। सरकार को इसको लेके बहुत ज़्यादा सजग होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में एक अच्छा संदेश पहुंचे और एक अच्छी उपलब्धि हो शाहजहांपुर के लिए। कैमरामैन अभय के साथ अभिषेक सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल। इन वीर शहीदों की कुर्बानी से आंखें भर आती हैं। वो कल भी थे, वो आज भी हैं, अस्तित्व उनका अमर रहेगा। नमन है उनकी शहादत को, सर झुके हैं देखकर उनका जज्बा। वीर जवानों की शहादत पर आज भी मेरा देश कुर्बान। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।